नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में धनतेरस को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, पूजा और सजावटी सामानों से पटा रहा बाजार। लाइसेंस नहीं मिलने से पटाखा कारोबारी हुए आक्रोशित, एसडीएम कार्यालय परिसर में जमकर किया हंगामा। उल्टा पुल पर हुआ भीषण सड़क हादसा, पथ परिवहन निगम की बस ने टोटो को मारी जोरदार टक्कर, चालक की मौत। राजकीय समारोह के साथ मनाई गई बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री की जयंती, सीएम ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और गांव के मैदान से मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस, दीपावली और काली पूजा को लेकर भागलपुर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक ओर जहां शहर के अलग अलग इलाकों से लोग त्योहार को लेकर खरीदारी करते दिखे, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र से भी धनतेरस और दीपावली के लिए लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। इस दौरान पूजन सामग्री, सजावटी सामान, रंग बिरंगी झालर एवं लाइट के अलावा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्वदेशी और डिजाइनर मूर्ति भी बाजारों की शोभा बढ़ा रही है। वहीं भागलपुर के मुख्य बाजार समेत अलग अलग चौक चौराहों और छोटे बाजारों में भी हर तरह के धातु की बर्तन, मिट्टी का दिया, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पारंपरिक मिठाइयों के साथ पूजा अर्चना से जुड़े कई तरह के सामान की दुकान भी सजने लगी है। हालांकि मुख्य बाजार में खरीदारी के लिए पूजा और त्योहारों को लेकर पुरुष, महिला, युवक, युवती समेत बच्चों की भीड़ जुट रही है, जो अगले 2-3 दिन में और बढ़ेगी। शनिवार को धनतेरस है और इसको लेकर आभूषण और हर तरह के बर्तन समेत गाड़ियों एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और शोरूम में खासी भीड़ जुटेगी। भागलपुर में पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस को लेकर एसडीएम कार्यालय में शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि दीपावली को 2 दिन बची है और अभी तक प्रशासन की ओर से पटाखा बेचने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि वे सभी करीब 15 दिनों से लाइसेंस के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटाखा व्यवसायियों ने कहा कि अभी तक पटाखा का लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से वे सभी परेशान हैं और इसी को लेकर उन लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। बता दें कि काजवली चक धमाके के बाद प्रशासन आतिशबाजी को लेकर पूरी तरह से सख्त है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पटाखे बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं जिला प्रशासन इस पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रही है और यह देखना होगा कि इस बार जिला प्रशासन पटाखा बिक्री को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करती है। दौड़ रहे हैं आप लोग? कम से कम 15-20 दिन से दौड़ रहे हैं। क्या चीज के लिए? लाइसेंस के लिए, पटाखा बेचने के लिए। क्या कहा गया? ये आदेश अभी हुआ है और हम लोग हाफ डिबिट बना के रखे हुए हैं, लेकिन फॉरवर्ड उसमें चेंज हुआ है। ये अचानक अभी बोल दिए और कल बैंक बंद है, चालान भी जमा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे ये तो समझ में अभी नहीं आ रहा है। परेशानी है? परेशानी बहुत है। 10 रुपया पहले ये होना चाहिए सर, 1 सप्ताह 10 दिन पहले सर, लेकिन हर बार सर यही होता है कि धनतेरस के दिन मिलता है 1 दिन पहले या धनतेरस जम दिया के रात हो जाता है। बड़ा दिक्कत हो गया, बहुत ज्यादा सर। भागलपुर के उल्टापुर में शुक्रवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ने एक टोटो गाड़ी को टक्कर मार दी, जबकि इसके बाद बस ने नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनंद फानंद में उसे स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गंभीर चोट लगने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक टोटो चालक की पहचान रजौन के खैरा गांव निवासी राजेश रंजन के रूप में हुई है। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की तेज रफ्तार बस ने उल्टा पुल के ढलान पर टोटो को जोरदार टक्कर मारने के बाद नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहन में टक्कर मार दी, जबकि कूड़ा वाहन में टक्कर होने के कारण वहां मौजूद कई दुकानदार की जान बच गई। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से बस छोड़कर फरार हो गया और मृत टोटो चालक के परिजनों का रोकर बुरा हाल है, जबकि पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सुबह में कूड़ा उठाने के लिए आए, गाड़ी जो है खराब थी हमारा, और उधर से जो बस जो आ रही थी स्पीड में मोटा मोटी 80 की रफ्तार में, वो जो है टोटो वाले के पहले मारा, 5-6 आदमी घायल था उसमें एकदम से। उसके बाद आते हुए मेरे गाड़ी में आके ठोक दिया,
उसके बाद ड्राइवर को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर ड्राइवर नहीं मिला। क्या लगता है आपका गाड़ी नहीं रहता क्या होता? हमारा गाड़ी नहीं रहता तो 500 फल वाला जो है मर जाता आज, 500 आदमी का जान आज जो है निगम बचा लिया। कितना तेजी था गाड़ी? ये मोटा मोटी 70 या स्पीड के रफ्तार में होगा और गाड़ी का जो है बोलता है कि ब्रेक फेल हो गया होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पटना मुख्य सचिवालय के प्रांगण में स्थित डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थल के समीप आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार केसरी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री, विधान पार्षद, मुख्य सचिव आमिर सुभानी के अलावा कई वरीय पदाधिकारी और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन और भजन कीर्तन के साथ बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। बांका अमरपुर प्रखंड के बलिया गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक व्यक्ति की पहचान खैरा गांव निवासी 46 वर्षीय शैलेश कुमार उर्फ रिंटू राय के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के भाई बिमलेश राय ने बताया कि उनका बड़ा भाई गुरुवार की सुबह ही घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं आया, जिसकी उन लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं शुक्रवार की सुबह कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि बलिया गांव के मैदान में उसके भाई की शव पड़ी हुई है। मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई को अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी है, जबकि मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी पाए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरोगा राम विचार सिंह, मनोज कुमार पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। साथ ही पुलिस ने कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरे तो घर से कल गया सुबह में, बस जो है सो फिर आया नहीं, इसी हुआ। कहाँ गया था ये सुबह? अरे चारों बल घूमता था ये, जब हम आए तो घर में ही था ना, तो सुबह में पता लगा कि यहाँ पर डेट हो गया। ग्रामीणों से पता चला कि यहाँ पर एक लाश मिला। आपको क्या लगता है इसके साथ क्या घटना घटा? ऐसे तो सर लगता है जैसे बहुत आदमी देखने को मिलता है कि उसको मार दिया है। किसी साहब को दुश्मनी हुआ नहीं? दुश्मनी तो सर हमसे किसी से है नहीं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। The journey of success has many moments. Some are big, some are small. Some reflect your taste, and some your class. But there is only one that shows you are a class apart. LG OLED, celebration of your success. LG OLED, the one and only. We'll be right back.
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhapa Portal at Atyavati Tower 2nd Floor. आपको हमारे यहाँ पर advanced service, advanced nerve hair cut, styling, coloring, straightening, rebonding, keratin, cystinode, hair fall treatment and dandruff treatment. और यही नहीं advanced beauty में आपको इंस्पा manicure, pedicure, ultrasonic, hydrafacial also. मेकअप में भी आपको SD Airbrush, Transformation Makeup, Waterproof Makeup मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब अकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे हैं, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरारी गंगा घाट के समीप अपने मित्रों के साथ गंगा स्नान करने गए एक युवक लापता हो गया। लापता युवक की पहचान मधेपुरा जिले के पुरैनी निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सूरज अपने मित्रों के साथ कठलबाड़ी स्थित पुलौच में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था और वह शुक्रवार की दोपहर बरारी गंगा घाट में स्नान करने के लिए गया था। तभी गंगा की तेज धार की चपेट में आने से वह लापता हो गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही मेयर प्रत्याशी खुशबू कुमारी और नवीन सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। जिसके बाद पुलिस और एसटीआरएफ टीम लापता सूरज को खोजने के लिए मौके पर पहुंची। फिलहाल सूरज का पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के भागलपुर की टिकटॉक वायरल गर्ल संचिता बसु की पहली फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेलुगु के बाद अब हिंदी में 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अब संचिता की सुपरहिट फिल्म को दर्शक हिंदी में देख पाएंगे। दरअसल संचिता की यह फिल्म बीते 2 सितंबर को साउथ के सिनेमाघर में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी, जो अब हिंदी में रिलीज होने जा रही है। बिहार के साथ साथ लगभग सभी हिंदी भाषी दर्शक उनकी फिल्म को देखने के लिए खास से उत्साहित हैं। अगर आप भी संचिता बासु की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो को घर बैठे देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर सूर मूवीज की ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आप आसानी से फिल्म देख सकते हैं। बता दें कि साउथ में संचिता की फिल्म ने काफी धमाल मचाया है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि संचिता की ये फिल्म हिंदी भाषा में हुई रिलीज काफी सुर्खियां बटोरने वाली है।
था, मैंने एक जूम कॉल में ये स्टोरी सुना था इस मूवी का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। उसके बाद मुझे लगा था कि मे बी सिलेक्शन होगा, मे बी सिलेक्शन नहीं होगा, बट कल होके मुझे कॉल आया था कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। सो बहुत बहुत अच्छा लगा था, और ख़ास करके अनुदीप सर की मूवी थी जिनकी इससे पहले की मूवी ब्लॉकबस्टर गई थी, तो उनकी मूवी में काम मिला। और मेन बात है पूर्णोदया बैनर, आप जब सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में चिरंजीवी सर इस बैनर पे, चिरंजीवी सर, कमल हसन सर काम कर चुके हैं, और ये 25 इयर्स के बाद। बिहार में नगर निकाय चुनाव तो फिलहाल टल गया है, लेकिन इसे जल्द कराने की कवायद जारी है। वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जब शुक्रवार को सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अति पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन रहना चाहिए और ये जरूरी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग बन गया है और अब आयोग सभी चीजें देखेगा, जिसके आधार पर जल्द ही चुनाव भी होगा। सीएम ने कहा कि 1978 में बिहार में ही सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी और ईबीसी दोनों के लिए आरक्षण देने का काम किया था, जबकि वर्ष 2000 में भी तत्कालीन सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण देने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सभी दलों की सहमति और विचार से ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को आरक्षण देने का निर्णय लिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि अति पिछड़े के लिए तो वर्ष 2006 में ही पहली बार पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया गया था, और वर्ष 2007 में नगर निकायों के लिए भी उसी प्रकार का कानून बनाकर आरक्षण दिया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के निर्णय को सही बताया था। साथ ही सीएम ने कहा कि बिहार में तो 4 बार पंचायत का चुनाव और 3 बार नगर निकाय चुनाव इसी तरीके से हो चुका है। शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर से इस बार देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में, अब वो कमेटी जो है वो तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी, और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया। नवगछिया रंगरा प्रखंड के तीनटंगा दियारा ज्ञानीदास टोला में गंगा का भीषण कटाव लगातार जारी है, जिससे कि अब तक लगभग 250 घर कटकर कोसी में समा चुके हैं। यहां बसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर ज्ञानीदास टोला में रह रहे महादलित, अत्यंत पिछड़ा सहित अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के लिए नवगछिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी को सरकारी मदद के लिए ज्ञापन सौंपा। उन लोगों का कहना है कि उन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए, साथ ही सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, और तत्काल सभी को जिनके घर कोसी में विलीन हो चुके हैं उनको समुचित भोजन सामग्री, बर्तन, टेंट, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोग अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए हम लोग जान रहे हैं कि नवगछिया कटाव के मुहाने पर खड़ा है और बरसों से कटाव का दंश झेल रहा है। ये अपना जो रंगरा प्रखंड का तीनटंगा दियारा दक्षिणी है, वहाँ ज्ञानीदास जो टोला है, गांव है, वहाँ के करीब 250 घर कट गया है, जिसमें कि अत्यंत पिछड़ा की बड़ी आबादी है। इसके अलावा वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज भी है और महादलित का भी है, करीब 35 से 40 घर कटा। हम लोगों ने जब वहाँ जाके देखा और वहाँ पर जब देखे तो उसकी स्थिति जो है, दाने दाने के लोग मोहताज हैं, घर तो चूँकि नदी में चला गया, और अचानक जो कटा हुआ तो घर से कुछ निकाल भी नहीं पाया। अभी खुले आसमान के नीचे या गाछ वृक्ष के नीचे किसी तरह नारकीय जीवन लोग जी रहे हैं। अब जो भी अधिकारी जाते हैं या कोई नेताजी लोग जाते हैं तो फोटो खिंचा के आश्वासन दे दिए, वापस हो गए, उनको तो लाभ कुछ मिला नहीं। वहाँ पर मूलभूत जो समस्या है कि जिनका घर कट गया, वैसे कटाव पीड़ित को आप गैर विवादित जगह उसी अंचल के अंतर्गत नज़दीकी एरिया में दीजिए, और एक तो हो गया कि पहले उसको ज़मीन मुहैया करा के उसमें बसाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उनको लाभ दिला के घर बसाइए। रोहतास जिला के अकोड़ी गोला में अपराधियों ने फिर से एक
पुल पर धावा बोल कर मजदूरों को बंधक बनाकर पुल निर्माण के सारे सामान जबरन लूट कर ले गए। आपको बता दें कि अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के महुअरी के पास पुल निर्माण के बेस कैंप पर कई तादाद में आए हथियार से लैस अपराधियों द्वारा धावा बोला गया और पुल निर्माण में लगे मजदूरों को बंधक बनाकर पुल निर्माण के सारे सामान जबरन लूट कर फरार हो गए। अपराधियों ने 200 से अधिक लोहे के प्लेट, कई वेल्डिंग मशीन, गैस कटर मशीन, 4 सिलेंडरों के अलावे 3 ट्रैक्टर, 1 बाइक सहित सब लेकर चलते बने। बताया जा रहा है कि पुल के स्लैब की ढलाई का काम होना था, जिसमें कुल 22 मजदूर कार्यरत थे। उन सभी को बंधक बना लिया गया और उन मजदूरों के पास से रुपये भी अपराधियों द्वारा छीन लिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही अकोड़ी गोला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई। ट्रैक्टर पर सामान लोडिंग करवाया हम ही लोग से, फिर इसमें से आदमी ले जा करके टोटल जितना प्लेट है, बहुत आइटम है, छोटा छोटा सामान, तो अभी काम हो चालू होगा उसके बाद पता चलेगा कौन कौन सामान है, उतना अभी दिमाग पर नहीं। जैसे प्लेट हुआ, गैस सिलेंडर 4 गैस सिलेंडर, चूल्हा खाना बनाने वाला, कटर मशीन लोहा काटने वाला, वेल्डिंग मशीन। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में धनतेरस को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, पूजा और सजावटी सामानों से पटा रहा बाजार। लाइसेंस नहीं मिलने से पटाखा कारोबारी हुए आक्रोशित, एसडीएम कार्यालय परिसर में जमकर किया हंगामा। उल्टा पुल पर हुआ भीषण सड़क हादसा, पथ परिवहन निगम की बस ने टोटो को मारी जोरदार टक्कर, चालक की मौत। राजकीय समारोह के साथ मनाई गई बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री की जयंती, सीएम ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। और गांव के मैदान से मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।